ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भले आदमी है, वैसे गलत जगह पहुंच गए। मैं उनका बयान देख रहा था, कह रहे हैं कि हमने नई योजना निकाली उड़ान टू, ऐसे लगता है कि फिल्म का नाम होगा उड़ान टू। कहते उड़ान टू के माध्यम से हमारे देश का किसान अपना पाइनएप्पल भी विदेश में बेच सके। कोई किसान यार तो बहुत प्रगतिशील किसान है, बहुत अच्छे समझदार। मैं पूछना चाहता हूं यहां कोई है जो अपनी उपज को हवाई जहाज में लगाकर कहीं भेजेगा विदेश? कौन किसान कर सकता है? लेकिन राष्ट्रीय लोकतंत्र, लेकिन मंत्री जी का दावा सुनिए, वो कहते हैं कि इससे किसान की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन यहां से निकल के आप बिलासपुर से निकल के चले जाओ, कर्नाटक चल जाओगे तो बड़ी बड़ी तस्वीर लग रही है, होर्डिंग लग रही है, योगी जी की तस्वीर और मुस्कुराते हुए तस्वीर, हमने तो कभी मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं। हमारे तरफ तो घूर के देखते हैं मुख्यमंत्री। बाबा लोगों का तो बड़ा ठहराव होना चाहिए, जो अध्यात्म का जीवन कोई मौलाना हो, जिसने सिद्धि हासिल की हो, कोई पीर बाबा हो, कोई महंत हो, तो हम तो ये लोग मानते हैं कि वो ध्यान में अपना समय काटते हैं, उनके अंदर तो बहुत शांति हो। ये ऐसे बाबा आ गए, ऐसे बुजुर्ग आ गए कि ना तो ये बुजुर्ग है ना ही बाबा है। ये धमकाते हैं रोज, इनके बयान में धमकाने वाली भाषा होती है। कभी अधिकारी को धमका रहे हैं, कभी अपनों को धमका रहे हैं, जनता को धमका रहे हैं। तो कर्नाटक का तो उनकी तस्वीर लग रही और दावा है कि यूपी बन गया नंबर वन। किस चीज में नंबर वन हो गए? अपराध में तो नंबर वन है, अत्याचार रोज होता है लोगों के साथ, गरीब आदमी के साथ। किस चीज में नंबर वन? सत्ताधारी लोग सबसे ज्यादा कहीं झूठ बोलते हो तो हमारे यूपी में झूठ, इसमें नंबर वन है। तो धीमे धीमे अपने आप इनकी पोल खुलने लगी है, इनके नीचे की जमीन खिसकने लगी है। और जो परिवार, जो किसान जिन्होंने कुर्बानी दी, सरकार उनको शहीद का दर्जा दिलाएगी। ये लोग उनको कुछ नहीं मानते। आज भी न्याय की स्थिति ये है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। जो दूसरी एफआईआर किसान भाइयों के खिलाफ लिखी गई है सरकार के दबाव में, उनका ध्यान वहां ज्यादा है। मंत्री जी अभी भी मंत्री बने बैठे हैं, और जब चाहे शाहजादे जी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो जेल से निकाल के उनको अस्पताल में ठीक ठाक जगह पे, ताकि उनका इंतजाम बढ़िया रह सके, उनके वहां रख रखाव होगा।